सो डियर फ्रेंड्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ए टॉपिक कॉल्ड एज गियर ट्रेन नाउ व्हाट इज एक्चुअली गियर ट्रेन जब दो से ज्यादा गियर मैश करते हैं ताकि एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट पावर ट्रांसमिट हो सके उस तरह के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं ए गियर ट्रेन कॉम्बिनेशन नाओ अभी हम स्टडी करेंगे वॉट इज ए सिंपल गियर ट्रेन अब सिंपल गियर ट्रेन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है कि एक गियर होता है उसको हम कहते हैं ड्राइवर गियर दूसरे गियर को होता है ड्रीवन गियर एंड इन देट ड्राइवर एंड ड्रीवन गियर ये होगी गियर की शाफ्ट क्लियर दिख रहा होगा इस केस में ये गियर इस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा ये गियर ये एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा जब आप बात करते हैं सिंपल गियर ट्रेंस की तो ये दोनों गियर की एक्सिस एक्सिस क्या होती है फिक्स होती है ना कि ये एक्सिस चेंज होगी ना ही ये एक्सिस चेंज होगी दोनों मूवेबल नहीं है सिर्फ ये गियर दोनों गियर क्या होंगे एक दूसरे के अबाउट रोटेट होंगे अगर ये ड्राइवर गियर क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये ड्रिवन गियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा एक पॉइंट पे ज़्यादा ध्यान देना है हमें जब दोनों गियर्स एक्सटर्नल गियरिंग में कांटेक्ट में आते हैं आप देख रहे हैं ये दोनों गियर्स क्या है एक्सटर्नल गियरिंग में कांटेक्ट में है दोनों के तीन बाहर क्या होंगे कांटेक्ट में जब गियर एक्सटर्नल गियरिंग में कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों गियर्स की डायरेक्शन जो होती है अपोजिट होती है अगर ड्राइवर क्लॉकवाइज है तो ड्रीवन क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज होगा ये किस केस में होगा जब एक्सटर्नल गियरिंग की हम बात करेंगे नाउ हमें एक टर्म है दैट इज कॉल्ड इज द स्पीड रेशो ये काफ़ी यूज होगा आप आगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो स्पीड रेशो क्या होता है एन वन बाय एन टू वॉट इज एन वन एन वन इज़ द स्पीड ऑफ द ड्राइवर एंड वॉट इज एन टू स्पीड ऑफ द ड्रीवन ये हो गया ड्राइवर गियर मीन्स ये गियर इस गियर को रोटेट करेगा इसके लिए उसको हम कहते हैं ड्रीवन गियर भी कहते हैं और फॉलोवर गियर भी कहते हैं सो एन वन बाय एन टू क्या होता है दैट इज कॉल्ड एज speed स्पीड रेशो मीन्स speed of ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ ड्री वन इक्व टी टू t2 by t1 means speed is inversely proportional to the number of teeth t1 and t2 क्या हैं दोनों गियर के teeth हैं एक और term आता है jisko हम कहते हैं ट्रेन वैल्यू ट्रेन वैल्यू क्या होता है It is inverse of the speed ratio. अगर स्पीड रेशो आपका एन वन बाई एन टू है तो ट्रेन रेशो वैल्यू क्या होगा एन टू बाय एन वन होगा तो आपको समझ में आ गया होगा सिंपल गियर ट्रेन क्या होती हैं हम पढ़ेंगे अभी सिंपल गियर में गियर ट्रेंस में अगर दो शार्फ्ट जिसमें गियर हैं अगर काफ़ी दूर दूर डिस्टेंस पे अरेंज कर दी गई हैं तो भी अगर हमें पावर ट्रांसमिट करना है तो हमारे पास क्या है दो ही चीजें उपलब्ध हैं या तो ये दो गियर की साइज बड़ी कर दी जाए ताकि दोनों कॉन्टेक्ट में आए या फिर इन दोनों गियर के बीच में एक छोटा सा गियर डाल दिया जाए उस छोटे गियर को हम कहते हैं आइडलर और दी इंटरमीडिएट गियर जैसे कि अगर आपको ये समझ में आएगा यहाँ पर क्लियर ये दो गियर हैं इनके दो शाफ्ट ये ड्राइवर हो गया ये ड्रिवन हो गया बट इन दोनों के बीच में क्या है डिस्टेंस ज़्यादा है और इन डिस्टेंस ज़्यादा है तो उनको हम या तो बड़े गियर से कनेक्ट करें या बीच में एक टाइप का इंटरमीडिएट गियर डाल दें जिसको हम कहते हैं आइडलर नाउ आइडलर आपका दोनों गियर का मोशन डिफाइन करता है अगर यहाँ पे कितने आइडलर दिख रहे हैं आपको एक मीन्स अगर आप बात करेंगे वन थ्री फाइव सेवन ये क्या हो गए आपके ऑड नंबर्स हो गए अगर आपके ऑड नंबर्स के आइडलर होंगे बीच में तो आपके ड्रीवन और ड्राइवर का रोटेशन क्या होगा सेम यहाँ देख रहे होंगे वन और थ्री का रोटेशन क्या है सेम अब इससे अगर मुझे निकालना है वैल्यू ऑफ द स्पीड रेशो तो पहले ये दो गियर की बात करूंगा तो यहाँ पे इस दो के लिए ड्राइवर हो गया ये ड्रीवन हो गया तो एन वन बाय एन टू इज टी टू बाई टी वन अब फिर ये दो की बात करूंगा तो इस केस में ये ड्राइवर हो जाएगा ये ड्रीवन हो जाएगा तो एन टू बाय एन थ्री इज इक्व टी थ्री बाय टी टू जब हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा यहाँ पे तो एन टू एन टू कैंसिल हो जाएगा तो एन वन बाय एन थ्री विल बिकम टी थ्री बाय टी वन समझ में आ गया एन वन बाय एन थ्री क्या है दैट इज द स्पीड रेशो स्पीड ऑफ द ड्राइवर अपॉन स्पीड ऑफ द ड्री दैट इज टी थ्री बाय टी वन इसमें कितना गियर थे एक इवन नंबर ऑफ सॉरी और नंबर ऑफ़ गियर्स थे दोनों का मोशन क्या था सेम अब हम देखेंगे अगर गियर्स इंटरमीडिएट गियर्स इवन नंबर्स में आ जाए तो क्या होगा अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में वन इज़ ड्राइवर फोर इज ड्रीवन इन दो के बीच में क्या कर दिए दो इंटरमीडिएट गियर दे दिए मतलब दो क्या हो गए आपके इवन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गियर्स दे दिए तो आप देखेंगे ड्राइवर और ड्रीवन गियर का डायरेक्शन क्या हो गया अपोजिट क्लियर हो समझ में आ रहा है ना इससे भी हम निकालना है हमें क्या स्पीड रेशो तो कैसे निकलेगा पहले ई दो की बात करेंगे एन वन बाय एन टू टी टू बाय टी वन एन टू बाय एन थ्री टी थ्री बाय टी टू एन थ्री बाय एन फोर टी फोर सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिलेगा एन वन बाय फोर इज इक्वल टू टी फोर बाय अब इसमें इस देखने की बात है एन वन क्या है, है? इससे तो मिल गया हमें स्पीड रेशो बट अब देखेंगे एन टू और एन थ्री का टर्म्स कहीं भी बीच में नहीं आया है इस इक्वेशन में मीन्स अगर आप इंटरमीडिएट करते हैं क्लियर

बट कंपाउंड गियर में एक शाफ्ट पे दो गियर्स होते हैं देखिए जैसे कि एक ये शाफ्ट है इस पर दो गियर्स माउंट हैं अगर बट एक शाफ्ट तो एक ही है जो इसका रोटेशन होगा वही इसका होगा वही इसका होगा मीन्स एन वन विल भी एक वॉट एन टू तो आप ये गियर देखेंगे इस एक गियर है एक शाफ्ट पे एक ही गियर है ये शाफ्ट पे दो गियर दिख रहे हैं टू थ्री ये शाफ्ट पे दो गियर दिख रहा है फोर फाइव और ये शाफ्ट पे एक गियर दिख रहा है सिक्स अगर मैं स्पीड रेशो की बात करूंगा तो ये ड्राइवर हो गया ये ड्रीवन हो गया तो मुझे स्पीड रेशू निकालना क्या होगा एन वन बाय एन सिक्स ठीक है तो उसका हम अभी डेरिवेशन देखेंगे कैसे करना है अब देखिए यहाँ पे वन किससे कनेक्ट में है वन टू से कनेक्ट में है तो आएगा एन वन बाय एन टू इसवल्स टू टी टू बाई टी वन काम खत्म अब यहाँ पे कनेक्ट देखा जाए थ्री किससे कनेक्ट में फोर से कनेक्ट है एन थ्री बाय एन फोर एज टी फोर बाई टी थ्री अब यहाँ देखेंगे फाइव किससे कनेक्ट में सिक्स के कनेक्ट में है तो एन फाइव बाई एन सिक्स टी सिक्स बाई टी फाइव सबको मल्टीप्लाई करते जाएंगे ये इक्वेशन बनेगा बट हमें पता है टू थ्री एक ही शाफ्ट पे है तो दोनों का आरपीएम सेम फोर और फाइव एक ही शाफ्ट पे दोनों का आरपीएम सेम यहाँ पे लिखा हुआ है तो एन टू इक्व टू एन थ्री कैंसिल हो जाएगा एन फोर इक्व टू एन फाइव ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आपको एन वन बाय एन सिक्स मिल गया और ये आपको बचा हुआ टर्म्स मिल जाएगा अब आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे बीच में सारे टर्म्स आ रहे हैं अगर इस यही सिंपल गियर ट्रेन होता यहाँ पर सिर्फ टी सिक्स बाई टी वन आता बट टी सिक्स बाई टी वन यहाँ पे है क्या है बट साथ में टी टू टी थ्री टी फोर टी फाइव भी है तो इसमें जो इंटरमीडिएट गियर्स होते हैं कंपाउंड गियर ट्रेन्स में गियर रेशो पे इफेक्ट करते हैं बट जब आप बात करते हैं ये गियर ट्रेन्स की सिंपल गियर ट्रेन्स की तो आइडलर्स आपके गियर रेशो पे इफेक्ट नहीं करते सॉरी स्पीड रेशो पे इफेक्ट ही करते हैं ओके सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें